हरियाणा में एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना तय है और इस बार उन्हें पिछले से मुकाबले अधिक बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि लुधियाना में गठबंधन की जीत मिलेगी। उन्होंने स्थानीय सांसद पर आरोप लगाया कि वो कभी भी उनसे शहर के लिए प्रोजेक्ट लेने के लिए नहीं मिले, बावजूद इसके कि उनके पास कई विभागों का चार्ज रहा है। उन्होंने सैम जोदा को लेकर भी कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पिता राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं और उनके बयान के लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसी तरह वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी बरसे, जबकि राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस की अगली सरकार बनाने के दावों को लेकर कहा कि सपने देखने पर कोई दोस्ती नहीं। खुशी का मौका है, मेरी पत्नी के लिए एक प्रकार से अपने ससुराल आया और मुझे पूरा विश्वास है कि लुधियाना के लोग चाहते हैं कि निर्णायक मजबूत देश की सुरक्षा को संभालने वाली सरकार, विकास से प्रेरित सरकार जो देश की अर्थव्यवस्था को और चार चांद लगाए, जैसे पिछले 5 वर्षों में हमने एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत को बनाया है। अगले 5 वर्ष इसी तेज गति से देश विकास करे, देश सुरक्षित रहे। पंजाब तो सीधा पाकिस्तान से सटा हुआ प्रदेश है, यहाँ के लोग भली बातें जानते हैं सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को, और आज एक ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पास है जिसने क्षण की भी विलंब नहीं किया, सेना बलों को आदेश दिया कि आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि लुधियाना की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देंगे, देवाल साहब को यहाँ से सांसद चुन के भेजेंगे, और जो कांग्रेस के साथी जिनके सोचने का ढंग एक प्रकार से उनके विचारक सैम पिटोड़ा जी जो राहुल गांधी जी के गुरु हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य से कांग्रेस की सोच का पर्दाफाश किया है, जिस प्रकार से उन्होंने बेरहमी से देश भर में हमारे भाई बहनों को 1984 में मारा था, उसको जिस हल्के तरीके से हुआ तो हुआ कहके सैम पिटोड़ा जी ने एक प्रकार से हमारे सभी वीर गति को प्राप्त भाई बहनों का इंसल्ट किया है, उसका कड़ा जवाब लुधियाना के मतदाता देंगे। 19 तारीख को मेरी अपील है लुधियाना के हर परिवार से, 100% परिवार, सभी बच्चों सहित जो जो मतदाता है, पड़ोसी, रिश्तेदार, अपने साथ काम करने वाले लोग, मोहल्ले के सबको लेके मत के अपने अधिकार को और मत की अपने जिम्मेदारी को निभाने सुबह सुबह निकले और गेवाल साहब को एक रिकॉर्ड मार्जिन से यहाँ पे चुन के भेजे। यहाँ के जो आज के सांसद हैं, इनको तो मैंने 5 साल में कभी देखा नहीं, मुझे कोई याद नहीं आता कभी मेरे पास आए हो कुछ काम के लिए या कुछ आए हो लुधियाना की समस्या लेके। मैंने अलग अलग विभाग संभाले, बिजली का विभाग संभाला, माइनिंग संभाला, कोयला संभाला, नवीकरणीय ऊर्जा, कुछ समय वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स, और आखिर में अब रेलवे। मैं समझता हूँ यहाँ के आपके वर्तमान सांसद ने कभी लुधियाना की कोई समस्या मेरे समक्ष रखी नहीं है। मुझे विश्वास है एक पढ़े लिखे अच्छे खानदान के देवाल साहब, जिनके पूरे परिवार ने अपना जीवन पीढ़ियों से देश को समर्पित किया, ये लुधियाना के आगे के आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और सामाजिक विकास में चार चांद लगाए। राहुल कह रहे हैं बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मोदी साहब ने यहाँ पे कोई फंड ही नहीं दिया पंजाब को, 5 साल में इग्नोर किया, 5 साल में पंजाब को इग्नोर किया है। जितना काम मोदी सरकार ने किया है, चाहे वो हाईवेज का हो,
चाहे वो रेल के निर्माण का हो, अलग अलग प्रकार से विकास को गांव गांव घर घर तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने गत 5 वर्षों में किया। कांग्रेस ने जब के वर्षों से इस देश में कांग्रेस का शासन रहा, एक परिवार का शासन रहा, उस परिवार ने पंजाब के साथ बेवफाई की है, उस सरकार उस परिवार ने पंजाब के लोगों का बिना बजाय कत्लेआम और कुछ नहीं दिया पंजाब को। मैं समझता हूँ पंजाब के लोग देख रहे हैं कैसे मोदी सरकार ने 1984 के जो कांड थे उन सब के ऊपर कार्रवाई शुरू की है। सज्जन कुमार जेल गए हैं, आगे भी जो जो लोग हत्यारे थे, जो जो लोगों ने नेतृत्व किया उस नरसिंहार का, उस सब का न्याय हमारे सभी पंजाब के लोगों को जरूर मिलेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। झूठे आरोप कांग्रेस के प्रत्याशी को आप पूछिए कि उनकी अटेंडेंस क्या है, उन्होंने कितने डिबेट में भाग लिया, उनसे कितने प्रश्न पूछे, जरा वो लुधियाना के बीजेपी कितने सीटें ले रही है। 6 चरण पूरे हो गए, 5 चरण का तो मेरे पास पूरा अनुमान है, 6ठे चरण का 1-2 दिन में आएगा, पर अभी मैं गाड़ी में वोटिंग परसेंटेज और जो प्राथमिक अनुमान ले रहा था, शत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 के आंकड़े से आगे जाएगी। मेरा अनुमान है 300 सीट से अधिक भाजपा की आने जा रही है और हमारे मित्र दलों के साथ एनडीए 2/3 बहुमत की तरफ तेजी से बढ़ रही है। राहुल कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, राहुल कह रहे हैं अंदर कर लो, बात सुनो, बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीत गई है, क्या कहना चाहते हो? ख्वाब देखने पे कोई जीएसटी नहीं लगता, तो उनको पूरी छूट है कि वो ख्वाब देखे। देश की जनता ने अपना मन बना लिया है, यहाँ तक कि उनकी खुद की बहन ने बोल दिया है कि वो तो कांग्रेस ने ऐसे हल्के प्रत्याशी रखे हैं जो सिर्फ वोट काटने के लिए रखे हैं और हारने के लिए रखे हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस को कहीं फिर एक बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक का पद नहीं मिले, मुझे तो ये ऐसी स्थिति दिख रही है। और आपके पंजाब के मुख्यमंत्री तो स्वयं ही कांग्रेस के नेताओं को पंजाब में आने से रोकते हैं और कांग्रेस के नेताओं को आने नहीं देते, ये दर्शाता है कांग्रेस की स्थिति। कांग्रेस के खुद ही चीफ मिनिस्टर, उनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार सैम पिटोड़ा जी के दिए हुए बयानों पे जो टिप्पणियां करते हैं, जिस प्रकार से कैप्टन साहब ने बार बार राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की है उनके नेतृत्व पे, मैं समझता हूँ पंजाब 13 की 13 सीटें अकाली भाजपा को जिताने वाले। राहुल जाना आ रहे हैं।